नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल वजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2020 के 27वें मैच के बारे में, जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने जा रहा है। दोस्तों यह मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और दोस्तों यह दोनों टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अभी तक आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर ये दोनों टीमों का इनाम आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अब आपसे मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा, और बात करें इनके स्टार प्लेयर के बारे में, तो दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम के स्टार प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, क्यूटन डिकोक, ईशान किशन जैसे इनके पास बेहतरीन बल्लेबाज है। दोस्तों बात करें इनके ऑलराउंडर प्लेयर के बारे में, तो दोस्तों पांड्या ब्रदर्स और इनके साथ में किरण पोलार्ड जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों बात करें इनके गेंदबाजों के बारे में, तो दोस्तों पेटरसन, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चार जैसे इनके पास बहुत ही पावरफुल बॉलर है, जो दोस्तों यह टीम कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैच जीतने का दम रखती है। दोस्तों अब आपसे बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान सरेश अय्यर और टीम के स्टार बल्लेबाज है शिखर धवन, एटमायर, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ जैसे इनके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज है। और दोस्तों बात करें इनके ऑलराउंडर प्लेयर के बारे में, तो दोस्तों अक्षर पटेल, स्टोइनिस जैसे इनके पास अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है। दोस्तों इस टीम में बात करें गेंदबाजों के बारे में, तो दोस्तों कगिसो रबाडा, रविचंद्र अश्विन, नॉर्थेज, अर्शल पटेल जैसे इनके पास अच्छे बॉलर हैं। अब बात करते हैं आपसे दोस्तों स्टेडियम के बारे में। तो दोस्तों यह मैच दुबई के अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दोस्तों यहाँ पर मैदान फ्लैट पिच होने की वजह से फेमस है। और दोस्तों बात करें समय की, तो भारतीय समय अनुसार यह मैच 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, जिससे यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी अभी जो है उससे भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर मौसम का ख्याल है वहाँ पर धीरे धीरे ड्यू फैक्टर बढ़ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अब दोनों टीमों को पॉइंट टेबल के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम ने अभी तक 6 मैच खेले, जिनमें से 5 मैचों में जीत दर्ज की रही है, जबकि 1 मैच इन्होंने हारा है। और दोस्तों बात करें दिल्ली कैपिटल के बारे में, तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स टीम ने अभी तक 5 मैच खेले, जिनमें से 4 मैच जीती है जबकि 1 मैच हारी है। तो दोस्तों पहले नंबर पर तो मुंबई इंडियंस है, दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स टीम है, तो पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर इन्हीं का स्थान है। अब दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। जिससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले आ जाएगा। तो दोस्तों बात करें मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन तो यह कहती है कि यह मैच मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन क्या है जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, कोई भी जीत सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर साथ में दोस्तों अगर आप चैनल से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की जानकारी रखना चाहते हो, कैशबैक, अर्निंग या और भी मैच से रिलेटेड, या आप टीम लेना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।